Dear students, I am Shailendra Tiwari from NDM Public Senior Secondary School Punana. Now I am going to teach you 9th class science, and your first chapter is motion, and this is the lecture first. तो बेटा आपको मोशन के बारे में पढ़ना है. तो मोशन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेस्ट के बारे में. व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे. तो बेटा रेस्ट का मतलब सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे क्या होता है. डेली लाइफ में रेस्ट को हम समझेंगे कैसे. जैसे मैं आपको कहूँ कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है कि मोशन पे है, तो हमें साफ दिख रहा है या ऑब्जर्वर जो भी होगा उस क्या बोलेगा कि भाई ये आपका मार्कर किसमें है, रेस्ट पोजीशन पे है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है. ऐसे मीन्स ये इसका प्लेस जो है क्या है, फिक्स है. इसका प्लेस क्या है बेटा, फिक्स है. तो हम ये समझ रहे हैं कि पोजीशन मार्कर जो है किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन में है. ऐसे आपका घर के बारे में बात करूँ कि आपका घर मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो क्या कहेंगे हम कि ये क्या है, रेस्ट पे है. किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, हमारी जो भी ऑब्जर्वर अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, हाउस रेस्ट पे है. ऐसे ही हम स्कूल की बात करें या जो है किसी पेट्रोल पंप की बात करूं, तो ये सब क्या है, रेस्ट पे. या किसी ट्री की बात करूं कि पेड़ जो है रेस्ट पे है. रेस्ट का मतलब वो अपना फिक्स्ड पोजीशन पे है, फिक्स्ड प्लेस पे है. तो एक चीज़ समझ में आया कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट चेंज, any object which does not change its position with respect to time. तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा object किस condition पे है, rest condition पे. तो rest का मतलब हम समझेंगे कि time के साथ ये कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है. जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन पे रख दिया और मैंने टाइमिंग स्टार्ट कर दिया. टाइमिंग मान लो 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour या 10 hours. 10 hours तक मैं देख रहा हूँ इसका कोई भी मूवमेंट टाइम के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है. तो हम क्या बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है. तो रेस्ट का मतलब समझ में आ गया बेटा कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे. ऐसे कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है. तो लेकिन आपको क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में पढ़ना है. तो व्हाट इज मोशन, तो मोशन का मतलब आप लोग पर डे डेली लाइफ में आप लोग देखते हो मोशन, कि कोई बाइक जा रही है, मान लो बाइक सड़क पे जा रही है, तो क्या बोलो आप लोग, क्या बोलते हो कि बाइक मोशन में है या बाइक मूव कर रहा है. ऐसे कार ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन एक पोजीशन से दूसरे ट्रैक पे जा रहा हो, तो क्या बोलेंगे हम, ट्रेन मोशन पे है. तो मोशन का मतलब क्या समझेंगे बेटा, कि एनी ऑब्जेक्ट व्हिच कैन चेंज व्हाट इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे. टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करे बेटा, चेंज करे. तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन पे है. जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे, अभी हमें समय देख रहा हूँ, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minute, 7 minute, 10 minute. मैं हर समय देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना पोजीशन हर समय क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है. हर समय चेंज करने की वजह से हमने क्या बोल दिया, ये मार्कर किस कंडीशन पे है, मोशन कंडीशन में है. समझ में आ गया बेटा. तो मोशन का मतलब क्या हुआ, एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कार्ड वो क्या कहलाएगा, कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है बेटा, मोशन में है. मीन्स मूव कर रहा है, समय के साथ अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. अब बात आती है बेटा रिफरेंस ऑफ पॉइंट. जैसे मैं आपसे बोलूं कि अर्थ, आपका अर्थ जो है रेस्ट पे है कि मोशन पे है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अर्थ किस कंडीशन पे है, रेस्ट पे है. लेकिन हम अभी कहाँ पे चले जाएं, दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं. सपोज दैट मैं किस पे चला गया, मार्स पे चला गया. तो मार्स के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मीन्स रिफरेंस ऑफ पॉइंट, अभी मैं कहाँ पे था, ऑब्जर्वर कहाँ पे था बेटा, इसके पहले अर्थ पे था. तो अर्थ पे जब ऑब्जर्वर था तो अर्थ को क्या बोल रहा था, रेस्ट पे है.
तो रिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जर्वर का क्या हुआ, अर्थ हुआ। अब कहां पे पहुंच गया ऑब्जर्वर, मार्स पे पहुंच गया। अब उसका रिफरेंस ऑफ पॉइंट क्या हो गया ऑब्जर्वर का, मार्स हो गया। अब हम मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ को देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बेटा देख रहा हूं, मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ को देख रहा हूं। तो जब मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ को देखूंगा तो समय के साथ अपना पोजिशन क्या कर रहा है, अर्थ चेंज कर रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि अपने अर्थ क्या होता है, अर्थ अपने अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है बेटा, स्पिन भी करता है, और सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व भी करता रहता है। तो हमें वहां से क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि मार्स के रिस्पेक्ट में अर्थ किस में है, मोशन में है। तो रिफरेंस ऑफ पॉइंट का मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा हुआ है, रिफरेंस कहाँ पे, किस रिफरेंस पे है। तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं मोशन को, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है या रेस्ट में। जैसे सपोज दैट मैं एक ट्रेन है, ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, और सीट के सामने एक बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी मैन है बैठा हुआ है, और उसके जस्ट सामने ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स मैंने अपने आप को ले लिया, मैं बैठा हूँ, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव मोशन में है। तो हमारा रेफरेंस ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑफ पॉइंट क्या है बेटा, ट्रेन का फर्श है, ट्रेन का क्या है, फर्श है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो सीट के सामने हमारे बैठा हुआ है, तो मैं अपना समय देख रहा हूँ, समय के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी मैन है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर क्या बोला, मेरे रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, क्योंकि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन अब यही ऑब्जर्वर कहाँ पे चला जाए, अर्थ पे चला जाए। अर्थ पे जब वो चला गया तो अर्थ क्या हो गया, फिक्स हो गया, और उसका आप उसका रिफरेंस ऑफ पॉइंट क्या हो गया, ऑब्जर्वर का अर्थ हो गया, और ऑब्जेक्ट का रिफरेंस ऑफ पॉइंट क्या हो गया बेटा, मूविंग ट्रेन हो गई। तो अब वो समय देखेगा, एक मिनट दो मिनट देखेगा, तो उस ऑब्जेक्ट या उस मैन का पोजीशन क्या कर रहा है, ट्रेन जा रही है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कि ऑब्जेक्ट अब किस में हो गया, मोशन पे हो गया। तो रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है, रिफरेंस ऑफ पॉइंट पे डिपेंडेंट है। मीन्स ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर किस रिफरेंस ऑफ पॉइंट पे है, तो रिफरेंस ऑफ पॉइंट के भी बेसिस पे मैं मोशन को और रेस्ट को डिफाइन अच्छे से कर सकता हूँ। तो बात समझ में आ गई बेटा, मोशन का मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, और रिफरेंस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बेटा क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या, पहले इसको हम समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मान लो ए पोजिशन पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पोजिशन पर है, वो ऐसे 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 मोशन करते हुए यहाँ पे आ गए, इस टाइप से मोशन कर रहा है। तो मैं आपसे बी पॉइंट पे आ गया, तो मैं आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। पाथ कौन सा है बेटा, एक्चुअल पाथ यही तो है एक्चुअल पाथ बेटा। तो एक्चुअल पाथ जो रियल में कोई ऑब्जर्वर है ये क्या कर रहा है, जो रियल में पाथ पे चल रहा है, यही जो टोटल पाथ इन्होंने क्या किया, कवर किया, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बना बेटा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जर्वर, कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा इसको, हम लेंथ, सॉरी कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो रियल में ऑब्जर्वर जो रियल पाथ पे क्या करे, हो कवर करे, जो रियल पाथ को कवर करे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट क्या होती है बेटा डिस्टेंस की, मीटर किलोमीटर और सेंटीमीटर, मीटर किलोमीटर चाहे मीटर में लो आप, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ ही तो है, डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ ही तो है। तो इसको हम लेंथ के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, यूनिट इसका क्या होता है, मीटर किलोमीटर और सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इसका यूनिट, इसका हम बोलेंगे डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, डिस्टेंस जो होता है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप लोग समझोगे, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डिस्टेंस।
अच्छा यूनिट क्या होगा, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब क्या होता है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया। अब बेटा हम अगले लेक्चर में हम आपको मैं पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू।